असलम यस कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब फैली से होंगे वेलकम बैक टू अनदर व्लाग और आज का व्लाग है जी किचन क्लीनिंग का ऑर्गेनाइजिंग का और इसके साथ साथ मैं आपके साथ बहुत ही इजी सी टिप शेयर करूँगी जिसके साथ आप जले हुए और बहुत ही ज़्यादा जले हुए बर्तन अपने मिनटों में साफ कर सकते हैं बल्कि सेकेंड्स में साफ़ कर सकते हैं बहुत ईजी टिप है ना आपको बर्तनों को रगड़ना पड़ेगा और ना आपको कोई और काम करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ आइजर ने मेरे हाथ पे मेहंदी लगाई है और सारी बड़ी अच्छी सी डिजाइनिंग की है उसको मेहंदी बहुत पसंद है और पेन से उसने ना मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी लगा दी थी तो अभी मैंने हाथ वॉश नहीं किए थे अच्छा मैंने फ्रिज साफ़ करनी थी आज फ्रिज जो है ना फ्रीज़र वाला जो रेफ्रिजरेटर वाला पोर्शन है उस सारा मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया था इसकी जो ग्रिल्स वगैरह थी अभी मैंने आपको शो किया है कि वो मैंने सारी वॉश करके रख दी थी अब इसमें ना सारे का सारा जो है वो मैंने ये डिग्गी वाला जो पोर्शन था उसको पहले से मैंने साफ करके रखा हुआ था फ्रूट पोर्शन वाला तो इसके ऊपर सारी चीज़ें जो फ्रिज में से मैं निकाल नहीं सकती थी ज़्यादा देर के लिए वो मैंने वहाँ पर रखी हुई हैं अच्छा उसके बाद ये मैंने शीट मंगवाई थी आपके साथ मैंने शेयर भी किया है तो ये मैंने इसको कैसे यूज़ करना है मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ और ये मैंने यहाँ पे ना आपके शेयर करना अपनी पेंट्री क्लोजेड का टूर भी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगी अच्छा इसको मैंने ग्रिल्स के ऊपर फ़िनिश करना था इसको फिनिशिंग बनानी थी इसकी और कटिंग करना था इनके हिसाब से और मेरी फ्रिज ना बिल्कुल ग्लास डोर फ्रिज की तरह लगने लग गई है तो फाइनल लुक आप जरूर देखिएगा तो सबसे पहले तो मैंने इसको ना जो ग्रिल्स के साइज़ तो थे उसके हिसाब से काटा था अच्छा मेरी फ्रिज छोटी है इतनी बड़ी फ्रिज नहीं है तो उस हिसाब से मुझे लगा कि एक रोल इनफ हो जाएगा लेकिन जब ये मैंने मंगवाया तो ये जो है ना कम पड़ गया मतलब दो तीन पे आराम से आ गया था फ्रीज़र वाले पोर्शन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बचा तो ये था कि मुझे दो मंगवा लेने चाहिए थे लेकिन ये बड़ा था लेंथ मुझे लग रही थी कि पूरा आ जाएगा लेकिन ये पूरा नहीं आया तो एक रोल जो है ना वो मेरा नीचे वाले सेक्शन में आराम से पूरा आ गया था लेकिन ये कि बड़ा अच्छा ये लग रहा था दूसरा ये आपके फ्रिज बहुत ज़्यादा जो है ना क्लीनर रहेगी आप अगर आपकी कोई चीज़ स्पिल हो जाती है जैसे कोई दूध वगैरह कोई चीज़ गिर जाती है तो आप उसको निकाल दें दूसरा ये जो है ना ग्रिल्स के ऊपर जो स्क्रैच पड़ जाते हैं बर्तन हम रखते हैं निकालते हैं उससे भी बच जाता है तो यहाँ पर बस मैं अपने साइज़ का काट रही थी इसके हिसाब से और उसके बाद मैं इसको लगा दूँगी तो उसके बाद जो लास्ट वाले पोर्शन थे ना उसमें पूरी नहीं आई है मतलब उसमें जो पीसेस बच के थे उनका मैंने जोड़ के किस तरह से मैंने उनको जोड़ा है? वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ तो जोड़ के ना मैंने पूरी शीट बना के उसके ऊपर बिछा दी थी तो ये वाला जो था ना दो रैक्स उसके ऊपर आराम से आ गई थी ये देखिए ये दोनों रैक्स के ऊपर मैंने रख दिया और ये बिल्कुल देखने से अच्छी लग रही है जैसे मेरी अब ग्लास डोर फ्रिज है और कलर मैंने इसी तरह का मंगवाया था कि ना बिल्कुल पता ही ना चले रेड ब्लू ऑरेंज कलर भी थे लेकिन मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा ब्लू कलर मंगवाया तो अब चीज़ें मैंने यहाँ पे इसके ऊपर सेट कर दी हैं और जो जो नीचे वाला पोर्शन था आप, आपको नज़र आ रहा होगा ये कम था इसको मैंने फिर जोड़ के इसको मैंने किस तरह से पूरा किया वह आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने दो पीसेस के दरमियान मैंने स्कॉच टेप लगा के उसको जोड़ लिया और उसके बाद मैं ना उसकी एक पूरी शीट बना ली हम पाकिस्तानी जो है ना जगाड़ लगाने में माहिर हैं तो इसको मैंने जगाड़ करके और बिल्कुल पूरी शीट आ गई थी जो इसके जो नीचे फ्रूट वाला बॉक्स है उसके ऊपर भी मैंने शीट बिछा दी और सारी ग्रेल्स के ऊपर भी शीट आ गई थी तो मतलब जो रेफ्रिजरेटर वाला पोर्शन था वो सारा जो है ना अच्छे से हो गया था इस तरह से मैंने उसके ऊपर टेप लगाई है बस अब इसको भी इसके ऊपर मैं लगा दूंगी तो फ्रिज का जो रेफ्रिजरेटर वाला पोर्शन है वो सारा क्लीन भी हो गया सारी चीज़ें मैंने दोबारा इसके अंदर सेट कर दी हैं और उसके बाद जो है ना मैंने इसको सारे का सारा ऑर्गेनाइज भी कर दिया है और आप देख सकते हैं कि फ्रिज की लुक किस तरह की बन गई है अच्छा ये भी मैंने लेके आई थी डिस्काउंट स्टोर से और मेरे यहाँ से मैं डिस्काउंट स्टोर की शॉपिंग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ये ना टू के जी के जार्स थे और ये जार्स जो है ना मुझे चाहिए थे आ, कोई मैदा वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें जो आप थोड़ी ज़्यादा रखते हैं कोई आ, उसके लिए ना मैंने यूज़ करना था तो इसलिए मैंने दो ले लिया और ज़्यादातर चीज़ें जो है ना मैं लेती हूँ वो दो ही लेती हूँ तो इसका जो है ना कैप बड़ा मज़बूत सा है प्लास्टिक ठीक ही है नॉट सो गुड लेकिन ये कि साइज़ इनका बहुत अच्छा है आलमोस्ट टू के जी इस आराम से आ जाता है तो बस अब इनको यहाँ से मैंने अनबॉक्स करना था अनपैक करना था उसके बाद तो मैं इनको वॉश कर लूँगी और जब भी मुझे यूज़ करना हो तो मैं आ, एट द स्पॉट यूज़ कर सकती हूँ मतलब उस टाइम भी मुझे दोबारा से इनको ड्राई करना धोना ड्राई करना वो वाला काम नहीं करना पड़ेगा तो बस ये बॉक्सेस इनको मैंने वॉश करना था अच्छा उसके बाद आती है जी किचन क्लीनिंग की बारी तो क्योंकि ईद आ रही है वैसे भी किचन क्लीनिंग चलती रहती है मंथली किचन क्लीनिंग मैं ज़रूर करती हूँ लेकिन ये है कि ईद पे हमारा ट्रेडिशन है कि हम लोग अपने घरों को बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं दोबारा से चाहे मेहमान आए या ना आए तो मैंने किचन की क्लिनिंग स्टार्ट की हुई थी अभी पीछे ही मैंने किचन अपना रेनोवेट करवाया तो सारी क्लिनिंग मैंने की हुई थी लेकिन आपको पता है डस्ट वगैरह आती रहती है पिछले दिनों में काफ़ी आंधी वगैरह भी आती रही है तो चीज़ों पर डस्ट वगैरह लग जाती है तो सारी जो है ना किचन क्लिनिंग मैंने दोबारा से की थी तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो सारा फ्लोर था उसको मैंने क्लीन किया था और सारा मैंने फ्रेश वगैरह धोए हैं आज और उसके अलावा जो कॉर्नर था सेकंड कॉर्नर वो भी मैं आज, आज, आज आपको शो करूँगी मेरे किचन का उसको भी मैंने सारा ऑर्गेनाइज़ किया तो यहाँ पे मैं डिस्पेंसर साफ करी थी डिस्पेंसरे साफ़ करने के लिए ना मैंने आपके साथ पहले शेयर भी किया हुआ कि मैं किस तरह से साफ़ करती हूँ तो यहाँ पर पहले तो मैंने लिया है लिक्विड डिश वॉशिंग जो सोप होता है वो मैंने लिया है और उसके बाद मैंने उसको सारा ना स्पंज के ऊपर अपलाई करके सारा इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिया उसके बाद मैंने इसको गीले टॉवल के साथ ड्राई कर लिया और आप देखेंगे कितना शाइनी ये निकल आएगा जब इसको हमें सारा कम्प्लीट कर लूंगी। तो यहाँ पे फ्लोर देखें सारा मैंने धो के रखा हुआ है कल ना एक्चुअली बारिश जब हुई थी बहुत तेज़ बारिश हुई थी सारे जो है ना मेरे हॉल में भी पानी आ गया था तो मैंने सारा वॉश करना था उसको तो, तो इसलिए मैंने किचन वॉश किया साथ किचन में मेरा यह कि मैं किचन को सिंपली वॉश नहीं कर सकती क्योंकि किचन का पानी सारा हॉल में आता है तो फिर मैंने सारे का सारा धो दिया तो काफ़ी ज़्यादा काम था कल और मेरा एग्ज़ाम भी था मुझे उसकी प्रिपरेशन भी करनी थी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने बन गया था लेकिन अलहमदिल्ला हो गया सारा और इन जो है ना अब बाकी जो है रिमेनिंग काम जो क्लीनिंग वगैरह है वह मैं आज कर लूँगी अच्छा जो डिस्पेंसर का फ्रिज वाला पोर्शन है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसमें कोई बेजेज़ वगैरह मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ तो उसको ना मैं फिर भी साफ कर रही हूँ क्योंकि बच्चे कभी ना कभी इसको खोल लेते हैं या वैसे भी साफ़ कर देना चाहिए कुछ टाइम के बाद तो उसको भी मैं हमेशा साफ़ कर लेती हूँ जब भी मैं इसको साफ़ करती हूँ तो बस यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल जो था ना मैं इसको थोड़ा सा मूव भी किया था आगे पीछे मैंने सोचा था कि यहीं और सेट करूँ लेकिन ये यहीं पर सेट था क्योंकि इसके साथ बिल्कुल करीब स्विच है और बच्चों का सबसे ज़्यादा डर होता है कि कहीं दूर आगे पीछे स्विच हो तो तारों को टच करते हैं तो इस वजह से मैंने सोचा कि सेफ यहीं पर है कि इधर ही पड़ा रहे तो बस इसको दोबारा मैंने रख दिया क्योंकि अभी इसकी बोतल खाली थी इसको आगे पीछे करना थोड़ा इजी था कि इसको फिर बोतल जो है ना उसमें दूसरी लगानी थी तो इसलिए मैंने कर लिया लेकिन ये कि यहीं पे अच्छा लग रहा था ये अच्छा इसके बाद ये वाला कॉर्नर जो था ये मैंने इसको इसके ऊपर जो मेरा स्टैंड था उसको मैंने वॉश किया था अच्छे से उसको मैंने सारा साफ़ सुथरा किया उसके ऊपर जो मैंने नट वगैरह भी छाई हुई थी वो सारी मैंने उतार दी हैं अब यहाँ पर बस मैं जो वॉश किया है उसके वाइपर वगैरह लगा रही हूँ और वो स्टैंड तो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है उसको मैं फिर अच्छे से ड्राई करूँगी और उसके बाद मैं दोबारा उसको रीसेट कर दूँगी तो इस तरह का स्टैंड बना हुआ है क्योंकि किचन आप देख सकते हैं कि सारी तरफ में मैंने इस तरह से शेल्फ़ नहीं है तो इस साइड पे मैंने ये रखा हुआ है इस स्टैंड को और ये ऊपर नीचे मैं इसमें काफ़ी चीज़ें रख सकती हूँ तो इस तरह से बस मैंने इसको रखा हुआ था और उसको बाद मैंने आज वॉश कर लिया था तो उसको अब ड्राई करना है उसके बाद दोबारा से मैं इस्टे सेटिंग करूँगी यहाँ पर मैंने सारा जो किचन था मैंने वॉश किया हुआ था उसको मैं वाइपर वगैरह लगा के ड्राई कर लूँगी अच्छा जो कुकिंग का काम था ना वो मैंने कल रात का खाना बना हुआ था तो इसलिए मैंने ये सारा काम स्टार्ट कर दिया क्योंकि अगर बीच में जब कुकिंग आ जाती है ना तो फिर आपकी सारी डिस्टर्बेंस बन जाती है कि आपको दोबारा से जो है ना उस काम को दोबारा छोड़ के दोबारा से शुरू करना पड़ता है तो मैंने सोचा कि खाना मैं बना हुआ है तो आज मैं फटाफट से इस काम को ख़त्म कर लेती हूँ फिर रात को ये था कि मुझे खाना भी बनाना पड़ा और उसके साथ साथ मैंने एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी थी तो सारा काम रात के लिए इकट्ठा हो गया था लेकिन ये कि सुबह मैंने फ्री होकर सारा काम आराम से कर लिया था तो बस यहाँ पे सारा मैंने हॉल वग़ैरह भी वॉश किया हुआ था यहाँ पे मैं उसमें वाइपर लगा रही हूँ उसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी और उसके बाद जो है ना सारी क्लिनिंग हो जाएगी मेरी डन तो बस इस तरह से मैंने सारी वॉशिंग वगैरह कर ली थी आज क्लीनिंग वगैरह मोस्टली जो है वो एंड डे भी दोबारा होती है लेकिन ये कि बेसिक किचन के साथ तो मुझे इसको धोना ही था तो मैंने इसको सारा दोबारा धो लिया अच्छा ये स्टैंड देखिए मैंने सर से सेट कर दिया इसके ऊपर सबसे पहले तो मैंने आटा गुदने वाली मशीन यहाँ पर रखी हुई है इसको ना मैंने इसके रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसके साथ मैंने यहाँ पर पानी रखा हुआ है पानी क्योंकि हम पीने वाला नीचे से भर के लाते हैं तो इसलिए दो बर्तन भर बर के रख लेते हैं ताकि ईजी रहे कभी ख़त्म हो जाए कभी लाइट वगैरह ना हो तो सुनाओ अच्छा ये जो बास्केट पड़ी है लॉन्ड्री बास्केट इसमें सारे मेरे जो मोप्स हैं और जो पानी के लिए मतलब किचन में टॉबल्स वगैरह यूज़ होते हैं और सफ़ाई के लिए डस्टिंग के कपड़े हैं वो सारे मैंने इसमें रखे हुए ऑलमोस्ट कभी कभार तो ऐसे होता है कि सारी बास्केट धोने वाली होती है मशीन जब मैं लगाती हूँ क्योंकि ये सारे मोक्स वगैरह यूज़ होते हैं अच्छा उसके बाद जो सब्ज़ी वाली बास्केट है वो भी मैंने सुबह नीचे सेट कर दिया ये तीन स्टेप्स वाली थी इसको मैंने दो स्टेप्स में करके ना उसको भी नीचे सेट कर दिया और ये स्विच मैंने ऊपर लगा दिया इसको मैंने स्टिकी टेप के साथ ऊपर लगा दिया क्योंकि ये अगर नीचे होना तो बच्चों का ये डर होता है कि इसमें कहीं उंगली ना दे दें तो इसलिए फिर मैंने इसको ऊपर लगा दिया और फ्रीज़र भी मैंने साफ़ कर दिया था तो फ्रीज़र की ये सारी चीज़ें मैं नीचे रख के आई थी नीचे वाले फ्रीज़र में रखी है मैंने फिर मैंने फ्रीज़र को क्लीन किया है इसको खोल के मैंने रख दिया सारा मैंने प्रोसेस सबके साथ शेयर किया हुआ कि किस तरह आप अपने फ्रीज़र को क्लीन कर सकते हैं और उसके बाद जो है ना मैंने बिल्कुल उसी उसमें से क्लीन किया है फिर मैंने उसको अच्छे से वॉश करके सारे को ड्राई करके उसके बाद मैंने इसमें सारी सेटिंग दोबारा से की है फिर मैं सारी चीज़ें नीचे से लेके आई थी अब यहाँ पर मैंने सेट कर दिया ऊपर वाले रैक में सारे टमाटर हैं फिलहाल मेरी फ्रिज में टमाटर ही टमाटर हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टमाटर आ गए थे तो उसको मैंने स्टोर कर लिया क्योंकि टमाटर इस तरह से नहीं रहते हैं उनको वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो इसलिए मैंने उनको स्टोर कर लिया था अच्छा फ्रिज तो सारी साफ़ हो गई थी अब उसका मैंने आउटर पार्ट क्लीन करना था ये सारा जो है ना इसको मैं साफ़ करती हूँ ग्लास क्लीनर से मेरी फ्रिज जो है ना बाहर से थोड़ी तरह से शाइनी सिल्वर टाइप की है तो ग्लास क्लीनर से ना बड़ी अच्छी सी शाइन आ सकती है और अगर आपके पास ग्लास क्लीनर नहीं है तो आप लिक्विड डिश वॉश डिश वॉशिंग बार आ, सोप लें जैसे मैंने डिस्पेंसर के ऊपर अप्लाई किया था उस तरह से आप सोप बना के उसका उसके ऊपर लगा दें और इस तरह से अच्छी तरह से इसको वॉश कर लें उसके बाद आप गीले टॉवल के साथ इसको आ, उसके ऊपर लगाएं और उसके बाद उसको ड्राई कर लें तो बहुत अच्छी आपकी फ्रिज फिर भी शाइन कर लेगी तो ये जो है ना ये बड़ा इजी काम है अगर इस ये है आपके पास आ, आ, विंडो क्लीनर ग्लास क्लीनर तो ये जो है ना ये बड़ा ईजी हो जाएगा काम इससे ना जो भी स्टेंस वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और उसके अलावा कोई भी निशान वगैरह होते तो वह ख़त्म हो जाते हैं बहुत जल्दी से क्योंकि इसमें सिरका होता है सिरका सारे स्टेस रिमूव करने के लिए ना बड़ा अच्छा है तो बस इस तरह से फ्रिज भी मैंने क्लीन कर ली थी तो किचन क्लीनिंग ऑलमोस्ट मेरी डन हो चुकी है जो बाकी का थोड़ा काम रह गया वो मैं आज कर लूँगी इन और किचन क्लिनिंग मेरी डन हो जाएगी और आप सब को भी हज मुबारक आज यहाँ पर मैं जिस टाइम पर मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर आज हज का दिन है तो ज़रूर दुआ में याद रखिएगा और और सब ये ज़रूर दुआ मंगेगा कि पाकिस्तान के हालात किसी तरह से अच्छे हो जाएं और हम लोग यहाँ पे रहने को सेफ़ फील करें तो तो यहाँ पे देखें बस इस तरह से फ्रिज जो है ना वो मेरी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है अच्छा उसके बाद आते हैं जी टिप पे तो यहाँ पर आप देखें ये है जी प्रेशर कुकर अच्छा प्रेशर कुकर में मैंने बनाया था दम बोख्त और ये जो है ना ये नीचे लग गया और ये वाकई लगा हुआ वा, मैं आपको अपने हैंड से देखते हैं मैं इसको अब देखिए उखाड़ रही हूँ लेकिन ये उखड़ नहीं रहा है इसको देखिए इस तरह से ये इसका जलावा बर्तन है जितना भी आपका जलावा बर्तन है आपने सिर्फ़ एक छोटी सी टिप करनी है तो यहाँ पे देखिए सिर्फ़ इसका बॉटम वाला पोर्शन जला हुआ है तो मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी डालूंगी अगर आपका बर्तन ऊपर तक जला हुआ है तो आप वहाँ तक पानी डालें जहाँ तक आपका बर्तन जला हुआ है उसके बाद आपने क्या करना है अपने पानी के हिसाब से अब मेरे पास ऑलमोस्ट ये एक से डेढ़ कप पानी है तो उसमें मैंने डालना है डिटर्जेंट कोई भी डिटर्जेंट आप डाल सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप एरियल ही डालें आप कोई भी डिटर्जेंट डाल दें अगर मैंने इसमें डाला है वन से टू कप पानी तो आपने इसमें एक चम्मच डालना है डिटर्जेंट की अगर आपने पानी ज़्यादा डाला हुआ है तो आप इसमें दो से तीन चम्मच डाल दें और उसके बाद आपने इसको बॉयल करते रहना है इसको देखिए इस तरह से पानी में डाल के इसको आपने उबाल आने देना है कम से कम इसको चार से पांच बॉयल आने चाहिए तो ये देखिए ये इसका सारा जो इसके नीचे पोर्शन लगा हुआ था ये उतरना शुरू हो जाएगा अब मैं इसको इसको आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ इसको आप बिल्कुल इस तरह से छोड़ दें और इसमें उबाल आने दें जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा जो भी इसमें रेजीड्यूज वगैरह हैं वो सारे उतर जाएंगे और आपको बर्तन को बिल्कुल भी रगड़ना नहीं पड़ेगा आपका बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रखा है इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा आप इसको कम अज़ कम भी पाँच छे बॉयल आने दें उसके बाद आप इस पानी को डिस्कार्ड कर सकते हैं या इसी पानी के साथ आप इसको वॉश कर लें तो भी आपका बर्तन बिल्कुल चमक जाएगा और आपको बिल्कुल रगड़ना नहीं पड़ेगा और आपका बर्तन के बिल्कुल स्क्रैच वगैरह भी नहीं आएंगे अब यहाँ पे देखें इसको बॉयल आना शुरू हुआ है इस तरह से मैं इसको मैं बॉयल आने दूंगी कम से कम भी तीन चार बॉयल इसक आएंगे और उसके बाद देखिएगा कि मैंने कितनी आसानी से इसको साफ़ कर लिया है तो यहाँ पे देखिए आप बर्तन को मैंने उतारा है फ्लेम के ऊपर से और ये यह देखिए ये आपको शो कर रही हूँ मैंने इसके अंदर से भी पानी भी रिमूव नहीं किया और ये देखिए सारे का सारा जो रेजिड्यू आपको नजर आ रहा होगा मैं आपके सामने शो करती हूँ ये देखिए ये सारे का सारा जो है ना इसके ऊपर से उतर गया और ये जो बाकी रह गया इसमें मैंने सिर्फ डाला है डिश वॉशिंग लिक्विड आप इसमें कुछ सोप वगैरह भी डाल सकते हैं आप उसी जो आपके पास सोप वाला सरफ वाला मिक्सर था उसी से भी वॉश कर सकते हैं तो ये देखें जब मैं इसको इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने एक दफ़ा चक्कर लगाया इसके अंदर से और ये देखें ये सारे का सारा साफ़ हो गया और इतना मज़ेदार सा ये आपका क्लीन बहुत ही प्यारा सा साफ़ सुथरा सा, 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 सा बर्तन निकलेगा और पहले से ज़्यादा चमक रहा होगा तो ज़रूर इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आपके बर्तन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसानी से चमक जाएंगे तो जब कभी भी कोई बर्तन आपका जल जाए तो आप इस टिप को फॉलो करें आपको बिल्कुल भी रिगड़ना नहीं पड़ेगा कोई केमिकल वग़ैरह यूज़ करना नहीं पड़ेगा बहुत आसानी से आप अपने बर्तन को आराम से साफ़ कर सकते हैं तो ये थी जी आज की टिप उम्मीद है आपको पसंद आई होगी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपका किसी टाइम का भी कोई जला हुआ बर्तन है जिसको आप साफ़ कर कर के थक गए हैं और अब आप, आप उसको यूज़ ही नहीं करते हैं कि उसको साफ़ करना मुश्किल है तो आप उसको इस तरह से साफ़ कर सकते हैं और दोबारा से रीनी कर सकते हैं तो ये मेरा प्रेशर कुकर जो है ना वो बिल्कुल दोबारा से रीनी हो चुका है और ये ये कितना अच्छा सा ये साफ़ हो चुका है अच्छा उसके बाद ये रात का टाइम था और रात को मैंने खाने में बनाया था जी चने की दाल और साथ मैंने बनाया था पास्ता बच्चों के लिए और थोड़ा सा कम मैंने स्पाइसी रखा था बहुत मज़ेदार से ये बना था रात का टाइम था उस तरह से जो है ना इतना ये फोकस नहीं हो रहा लेकिन बहुत ही मज़े का बना था तो ये भी करूँगी मैं अपने बिल्कुल को भी, भी हैंड उम्मीद है आपको पसंद आया होगा अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग